So, Radhe Radhe friends, now today we are going to discuss a very very important one. जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट या सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस अब आपके बचे, ये चार क्वेश्चन बहुत ही मतलब बेस्ट लेवल है इनका। सीए फाइनल में ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए, मेरे को तो पता नहीं क्यों इन्होंने इंटर में डाला है, बिकॉज इंटर में वी एक्सपेक्ट ओनली वर्किंग नॉलेज, बट फाइनल में एक्सपर्ट नॉलेज, लेकिन इन्होंने डाले हैं तो अपन उनको करेंगे, एंड वी विल डिस्कस ओनली इन द फॉर्मेट ऑफ डीकेसी, राइट। तो पहले आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 जरा आप देख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 4.26। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 4.26, आर यू रेडी फ्रेंड्स। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ वेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू। एक तो अपने को लेना है बुक वैल्यू, बराबर, तो एकदम सिंपल है, बुक वैल्यू एज ए वेट, और सेकेंड अपने को लेना है मार्केट वैल्यू एज ए वेट। तो पहले बुक वैल्यू तो एकदम सिंपल है, मार्केट वैल्यू को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सोर्स है बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट। फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। यहाँ पे अपने को क्लियरली उन्होंने दे रखा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू। तो मैं पहले आपको ये कहूँगा कि अपना जो डीकेसी का जो फॉर्मेट है, पहले हम लोग जो वेटेड एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम लोग पहले बना लेते हैं, राइट। इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर 1, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड योर वेट इक्वल टू एंड योर बुक वैल्यू, जो वैल्यू आपको दे रखा है आपको वही लेना है। सही है, सुनो फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्टिकुलर्स, ठीक है, दिस इज द बुक वैल्यू, दिस इज योर वेट, दिस इज योर कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट, ओके, दिस इज योर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स अपने को देकर रखे हैं 1 करोड़ 20 लैक्स, देन सेकेंड इज ए रिटेन्ड अर्निंग, एकदम आराम से आप करिए तो आपको क्लियर करा देता हूँ, दिस इज 30 लैक्स, देन प्रेफरेंस कैपिटल दिस इज 36 लैक्स एंड डिबेंचर्स इज 9 लैक्स, सो आवर टोटल विल बी 120 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 9, 1 करोड़ 95 लैक्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, क्या पूछ रहा है अपने से, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, अपना फॉर्मेट हमेशा आपका क्या रहेगा, सेम, ओके, एंड वेट इक्वल टू आपको क्या लेना है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में इक्विटी शेयर्स हैं आपके 1 करोड़ 20 लैक्स, रिटेन्ड अर्निंग है आपका 30 लैक्स। मैंने आपको बताया ना, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड देने के बाद जो आपका पैसा बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस कैपिटल 36 लैक्स, दिस इज योर प्रेफरेंस कैपिटल 36 लैक्स, एंड उसके बाद आपका डेब्ट है 9 लैक्स, एंड टोटल 1 करोड़ 95 लैक्स। इट मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 195, देन 30 डिवाइडेड बाई
195, 36 divided by 195 or 9 divided by 195. It means 120 divided by 195, and this comes to your 0.62. Okay, then 30 divided by 195 आपका आ जाएगा 0.15. 0.15, 36 divided by 195 is 0.18, and 9 divided by 195 is 0.05. Nine divided by one nine five. This comes to 0.05. 0.62, 0.15, 0.18, 0.05, and this comes to 1. Is this clear or not, friends? ये 120, ये 30 lakhs, 36 lakhs, 9 lakhs, सबको 195 टोटल से हम लोगों ने डिवाइड किया. डिवाइड किया तो हमको इंडिविजुअल वेट इनका मिल गया. सही है सुनो फ्रेंड्स, है ना. अब कॉस्ट के लिए यू प्रिपेयर नोट नंबर 1. ये आपका हो जाएगा नोट नंबर 1, एंड देन यू मल्टीप्लाई और आपका क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो ये आपका पहला हो गया आंसर. पहला आंसर है आपका, पहला क्या पूछा है उन्होंने कि वेट यूजिंग द वेट, वेट इक्वल टू योर बुक वैल्यू. ठीक है, अब अपन ले लेते हैं सेकंड. इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड योर वेट इक्वल टू इज ए बुक वैल्यू. देन फर्स्ट यू टेक पर्टिकुलर्स, फर्स्ट यू टेक पर्टिकुलर्स, देन मार्केट वैल्यू. दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू. वेट इक्वल टू योर मार्केट एंड वैल्यू. ओके, दिस इज योर मार्केट वैल्यू. देन यू फाइंड आउट द वेट. देन यू टेक कॉस्ट एंड वेट इंटू कॉस्ट इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट. ओके, पर्टिकुलर्स पहला, इक्विटी शेयर्स दूसरा, रिटेन्ड अर्निंग तीसरा, प्रेफरेंस शेयर्स एंड चौथा डिवेंचर्स. ओके, मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स. ओके, मार्केट वैल्यू एक एक करके ले लेते हैं. देखो अपने को दे रखा है जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग इज 2 crores. इक्विटी और रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू है 2 crores. ये आपको मार्केट वैल्यू दे रखा है. सपोज रिफर नोट नंबर, या फिर आप यहाँ पे ले लीजिए, दिस इज योर नोट नंबर ए. मार्केट वैल्यू आपको दे रखा है 2 crore. इसमें आपका
इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग है। इक्विटी 1 करोड़ 20 लैक्स और रिटेन्ड अर्निंग 30 लैक्स। इट मीन्स इन दिस रेशियो यू एलोकेट, इट मीन्स इन द रेशियो ऑफ 120:30, इट मीन्स 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 150 into 120 इज 1 करोड़ 60 लैक्स एंड दिस इज 40 लैक्स आपका हो जाएगा। सही आंसर, दिस इज योर नोट नंबर ए। दूसरा अपने से क्या पूछ रहा है, ये इक्विटी का हो गया आपका, प्रेफरेंस शेयर्स, दिस इज योर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बोल रहा है, रियलाइज 105, रियलाइज 105, इट मीन्स 36 लैक्स इंटू 105 बाई 100, 36, 105 and 100 एंड दिस कम्स टू, हमको क्या दे रखा प्रेफरेंस शेयर 100 वुड, अच्छा मार्केट वैल्यू डायरेक्टली अपन को दे ही रखा है इसका ना, मार्केट वैल्यू दिस इज गिवन, मार्केट वैल्यू गिवन है 33,75,000 एंड डिवेंचर, डिवेंचर का मार्केट वैल्यू अपन को दे रखा है 10,40,000। सही आंसर, ये अपन ने मार्केट वैल्यू निकाल दिया, टोटल मार्केट वैल्यू इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग दोनों का मिलके ही इक्विटी का मार्केट वैल्यू बनता है और ये 120:30 के रेशियो में, तो ये आपका ये आ गया राइट। प्रेफरेंस शेयर का इज गिवन है, इट मींस आप आ जाइए इक्विटी शेयर्स इज रिफर योर, दिस इज नोट नंबर ए, नोट नंबर ए 1 करोड़ 60 लैक्स देन 40 लैक्स देन 33,75 देन 10,40,000, 160 प्लस 40 33.75 प्लस 10 244 15,000। ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, ये अपन ने नोट नंबर ए में निकाल दिया दिस दोनों का वैल्यू, रिटेन्ड इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स का अपन को डायरेक्टली गिवन है, दिस इज अपने को गिवन है, दिस इज अपने को गिवन है, दिस में यू रिफर नोट नंबर ए, दिस यू रिफर नोट नंबर ए। ओके, अब इसका वेट अपन निकाल लेते हैं, 1 करोड़ 60 लैक्स डिवाइडेड बाई 244 15,000 देन 40 लैक्स डिवाइडेड बाई 244 15,000 देन 33,75 244 15,000 देन 10,40,000 डिवाइडेड बाई 244 15,000 इट मीन्स 160 डिवाइडेड बाई 244.15, दिस कम्स टू 0.66 देन 400 डिवाइडेड बाई 241.5, दिस कम्स टू 0.16। सिंपली डिवाइड करना है अपने को,
3375,000 divided by 244 15,000 is 0.14, and 1040 divided by 24415 is 0.04. Okay, so total will be 0.16, 0.14, 0.04, and this comes to 1. ये आपका क्या हो गया, वेट हो गया, राइट. सो डिवेंचर दिस, सो टोटल अपना ये है. इस टोटल से ये 160 डिवाइडेड बाई दिस टोटल, 40 डिवाइडेड बाई दिस टोटल, 3370 डिवाइड बाई दिस टोटल, दिस डिवाइड बाई दिस टोटल, एंड दिस इज द टोटल. अब आप आ जाइए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज योर नोट नंबर 1, राइट. सबसे पहले आप आ जाइए, दिस इज योर नोट नंबर 1, ओके, एंड दिस इज रिलेटेड टू कॉस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है. ये आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, कॉस्ट से रिलेटेड, ओके. सबसे पहले अपने को चाहिए के ई, एक अपने को चाहिए के ई और एक अपने को चाहिए के आर, ठीक है. क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर आर कोटेड 130 पर शेयर एंड ए न्यू इशू प्राइस इज 125 पर शेयर विल बी फुल्ली सब्सक्राइब, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5 रुपीज. सो के आपका जो आर रहेगा उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के ई इक्वल टू योर डिविडेंड डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस ग्रोथ. लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा के ई इक्वल टू डिविडेंड, इट मीन्स नेट प्रोसीड्स एंड प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है. अब आप आ जाइए, सबसे पहले अपन को डिविडेंड, अपने को डिविडेंड कितना दे रखा है, इज ए 15, ठीक है. यहाँ पे भी डिविडेंड कितना हो जाएगा, 15, ऑल राइट. और अपना जो प्राइस अपन को दे रखा है, राइट, प्राइस अपने को दे रखा है इक्विटी से आर आर कोटेड 130 पर शेयर एंड न्यू इशू प्राइस इज 125. सो न्यू प्राइस इज 125 प्लस ग्रोथ रेट, ओके. सो दिस इज 125 माइनस देर इज ए फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, है ना. तो 5 रुपीज का फ्लोटेशन कॉस्ट है आपका, वो निकल जाएगा. नाउ द इम्पॉर्टेंट इज वॉट इज ए हाउ टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट, बराबर. तो देखो अब आपको क्या दे रखा है, सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड ड्यूरिंग द 5 ईयर्स डिविडेंड हैव स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 10.6 टू 14.19. इट मीन्स दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज 1 to 5 years, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू. वॉट इज योर प्रेजेंट वैल्यू, योर प्रेजेंट वैल्यू इज, योर प्रेजेंट वैल्यू इज 10.6 मल्टीप्लाई बाई दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, ओके. फ्यूचर वैल्यू आपका आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू है आपका 14.19, ओके. और इसका मतलब कितने से बढ़ गया आपका, इट मीन्स 14.19 डिवाइडेड बाय 10.6. तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 14.19 डिवाइडेड बाय 10.6. दिस कम्स टू 1.338. सही है सुनो, ये आपका कंपाउंड वैल्यू हो गया ना, कंपाउंडेड वैल्यू. इट मीन्स 10.60 आपका है और अपने को 5 इयर्स तक बढ़ाना है और एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपको मिलेगा 14.19. तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल देखना पड़ेगा. अब आप देखिए, मैंने आपको अपेंडिक्स में 11 दिया है, बराबर. अपेंडिक्स में मैंने आपको 11 दिया है, तो अब आप देखिए 11.1 पे आप देख लीजिए, पेज नंबर
पेज नंबर 11.1 पे आप देख लीजिए, दिस इज ए फ्यूचर वैल्यू द कंपाउंड सम दे रखा है। देखो जरा 11.1 पेज नंबर 11.1 चैप्टर 11 में, चैप्टर 11 अपेंडिक्स का आपको दे रखा है, चैप्टर 11 अपेंडिक्स का दे रखा है, उसमें आपको देखना है चैप्टर 11.1। और उसमें आप देखिए फिफ्थ ईयर में कहाँ पे 1.338 आपको वैल्यू आता है, फिफ्थ ईयर में आपको कहाँ पे आता है 1.338 आपको आता है फिफ्थ ईयर एंड 6%, फिफ्थ ईयर में 6% पे आपको 1 पॉइंट, इसका मतलब आपका जो ग्रोथ रेट है वो आपका क्या हो जाएगा 6%, इट मीन्स 0.06 एंड 0.06। ये क्लियर हुआ कहीं? ये ग्रोथ वाला पार्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका ग्रोथ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सही है सोनो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? 1 to 5 years में 10.6 आपका इनिशियल था, 5 year के बाद वो ये हो जाता है। तो अपन को देखना कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट, द ग्रोथ, तो उसके लिए पेज नंबर 11.1 पे, 11 चैप्टर 11 में पेज नंबर 11.1 पे आपको आ रहा है 1.338, कहाँ पे आ रहा है फिफ्थ ईयर 6%, दिस इज ए कंपाउंड वैल्यू। ओके, अब आप निकाल लीजिए, इट मींस आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा वो आप जरा देख लीजिए, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी 15 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 0.06 0.185 आपका वैल्यू हो जाएगा 0.185, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.5। दिस इज द बेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपके चल रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल सीए में पूछे हुए हैं, ठीक है? एंड दिस कम्स टू 15 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 0.06 एंड दिस कम्स टू 18% 0.18 और 18%। इसका मतलब इक्विटी का कॉस्ट 185 और आपका रिटेन अर्निंग का कॉस्ट है 0.18। तो अब आप ले लीजिए, यहाँ पे आप आ जाइए, ये आपका आएगा इक्विटी का 0.185 0.185 और इसका आपको कॉस्ट दे रखा है रिटेन अर्निंग का 0.180 0.185 एंड 0.180। सही है सुनो, ये आपका हो गया एक पार्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब आप आ जाइए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब आप आ जाइए फ्रेंड कॉस्ट ऑफ केपी, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इट मींस केपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है, इट मींस दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड, बराबर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, पहला मैंने आपको क्या बताया, आप ट्राई करिए मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं है गो टू नेट प्रोसीड्स, वो भी नहीं है देन यू गो टू बुक वैल्यू और फेस वैल्यू, ये आपका नोट नंबर 1 ही कंटिन्यू है, नोट नंबर 1 एंड दिस इज कंटिन्यू। सही है सुनो फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 15 डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है अपने को, प्रेफरेंस शेयर्स आर 15% प्रेफरेंस शेयर्स विद द फेस वैल्यू ऑफ 100 वी रियलाइज 105 इनटू 100 भी कर सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। ओके, ये आप ले लीजिए 15 डिवाइडेड बाय 105 दिस कम्स टू 0.1429 और 214.29%, ठीक है,
ये आपका आ जाएगा प्रेफरेंस का कॉस्ट। प्रेफरेंस का कॉस्ट फ्रेंड्स 0.14 पॉइंट, प्रेफरेंस का कॉस्ट 14.29, तो 0.1429 एंड 0.1429। अब आप आ जाइए नेक्स्ट लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इज ए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इसको बोलेंगे के डी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ओके, अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के बारे में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर्स, दिस इज 11 ईयर्स 15% डिवेंचर, बट द यील्ड ऑन द डिवेंचर ऑन सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लासेस। नाउ सिमिलर टाइप में दिस इज ए यील्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ डिवेंचर इज ए 16% एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। तो पहले तो अपन पहला पार्ट दिस इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा 15 और टैक्स बेनिफिट है आपका, व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट, आपका टैक्स बेनिफिट आपको दे रखा है इग्नोर डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, सो 35%, सो दिस इज 15 × 35% एंड दिस कम्स टू 5.25 एंड माइनस 15 इज 9.75, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा 9.75। सीरियस हो ना फ्रेंड्स, आपका रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, योर रिडेम्पशन वैल्यू विल बी 100 और आपको नेट प्रोसीड्स क्या मिला है वो आपको इम्पोर्टेंट है। सो नेट प्रोसीड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहला तो हम लोग सेम रिस्क क्लास है, इट मीन्स ये 15% हम लोग डिवेंचर दे रहे हैं और मार्केट में उसको मिल रहा है 16%, बराबर, तो हमको हमारा डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर 15 रुपीज़ इंटरेस्ट है विच इज़ 16%, ओके, इंटू 100, इसका मतलब हमें हमारा डिवेंचर इशू करना पड़ेगा 15/16 × 100 इज 93.75, हमें हमारा डिवेंचर इशू करना पड़ेगा 93.75 में, क्योंकि सेम रिस्क क्लास, सेम जो रिस्क क्लास है वो लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो लोग 16% दे रहे हैं। तो कोई भी आदमी बोलेगा ना भाई यू आर गिविंग 15%, तो आपका जो 15% आप दोगे और उसको इक्विवेलेंट टू 16 करना है तो आपका डिवेंचर का वैल्यू क्या हो जाएगा 93.75। इट मीन्स 93.75 पे अगर आप 16% दोगे तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट क्या आएगा 15 रुपीज़। 93.75 पे अगर आप 16% इंटरेस्ट दोगे, बराबर, तो आपका क्या आएगा इंटरेस्ट 15 रुपीज़। और ओके, और आप दे रहे हो 15%, इट मीन्स आप दे रहे हो 100 पे 15%, बराबर, तो आपका कितना आ रहा है 15 रुपीज़। तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ दिस डिवेंचर विल बी 93.75। अब उसमें वो क्या बोल रहा है कि देर इज ए इशू एक्सपेंसेस, कितना इशू एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट, और वो भी किस पे है, फेस वैल्यू के ऊपर। तो व्हाट इज योर फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इज 100, तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा 100 × 2%, इट मींस 100 × 2% इज 2 एंड दिस कम्स टू 93.75 - 2 इज 91.75। ओके, तो आपका नेट प्रोसीड्स आपको मिल रहा है 91.75। सही है सुनो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ए प्लस प्लस कैटेगरी जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल ए प्लस प्लस कैटेगरी क्वेश्चंस, राइट। क्या करेंगे, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, के डी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर
first year, this 11 years 15% yield, this and this, this redemption value, ये NP आपका, ये इंटरेस्ट कॉस्ट आपका, ये और लाइफ आपका N, N इक्वल टू आपका आ जाएगा, N इक्वल टू आपका आ जाएगा 11 ईयर्स, इट मीन्स के डी इक्वल टू ओके 9.75 इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 100 माइनस नेट प्रोसीड्स 91.75 डिवाइडेड बाय ईयर्स 11 100 प्लस 91.75 डिवाइडेड बाय 2 केडी का क्या फॉर्मूला था बोलो केडी इक्वल टू इंटरेस्ट लेस टैक्स सेविंग्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन एंड दिस इज रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टू सही आसान है तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगा इट मीन्स के डी इक्वल टू 100 माइनस 91.75 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 9.75 दिस कम्स टू 10.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 91.75 100 प्लस 91.75 डिवाइडेड बाय 2 इज 95.875 सो 10.5 डिवाइडेड बाय 95.875 एंड दिस कम्स टू 0.1095 तो आपका के डी आ जाएगा 0.1095 और 10.95% ये क्लियर हुआ कि नहीं द मोस्ट डिफिकल्ट सम आपको मतलब जिसमें सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी वो मैं आपको करा रहा हूँ तो आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो जाएगा प्लीज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आपका क्या हो जाएगा सही है सुन 0.1095 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इट मीन्स 0.1095 तो हमारा क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट कर लीजिए आप ये तो कंप्लीट हो गया ओके यहाँ पे भी आ जाएगा 0.1095 ठीक है 0.62 into 0.185 is 0.1147 then 0.15 into 0.180 is 0.027 then 0.1429 into 0.18 is 0.0257 and then 0.1095 plus into 0.05 0.05 into 0.1095 and this comes to 0.0054 it means 0.1147 plus 0.027 plus 0.0257 plus 0.0054 and this comes to 0.1728 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0.1728 और 17.28% कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई वेट इक्वल टू वेटेड एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट वेटेड एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट वेटेड एवरेज सही है सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रेंड्स
आपका एक एक लॉजिक आपका क्लियर, ये चार सम आपने कर लिए, मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज थ्रू, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज थ्रू। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पे, इट मीन्स 0.66 इंटू 0.185, 0.1221, 0.1221, 0.16 इंटू 0.180 इज 0.0288, 0.1429 इंटू 0.14 इज 0.0200, 0.1095 इंटू 0.04 इज 0.0043। इट मीन्स 0.1221, 0.0288, 0.0200, 0.0043, 0.171752। और इफ यू मल्टीप्लाई बाई 1752 इंटू 100 विल गेट 17.52%, विल गेट 17.52%। से यस 17.52%। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैंने आपको करा दिया। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट अगर आपका कोई क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया। सही आंसर इज दिस क्लियर, जो CA फाइनल में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो एकदम मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मैं आपको पहले वही करा रहा हूँ। सी वी सुनो, परफेक्टली क्लियर। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, योर वापस से आप रिवाइज करिए, इनकेस एनी डिफिकल्टी आप मुझे पूछिएगा। हाँ फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4.23, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4.23। एबीसी कंपनी इक्विटी शेयर, एबीसी कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट 25 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब आपका दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 25। द कंपनी पेज ए डिविडेंड 2 रुपीज पर शेयर, इट मीन्स हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, दिस इज 2 रुपीज पर शेयर। एंड इन्वेस्टर मार्केट ग्रोथ, इट मीन्स अपना ग्रोथ रेट है, अपना जी है, इज ए 6%। बराबर, नंबर वन, कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इट मीन्स के ई इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस ग्रोथ रेट। बराबर, व्हाट इज योर D1? 2 रुपीज आपका डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इज डिवाइडेड बाई P0 इज 25 प्लस व्हाट इज योर ग्रोथ रेट इज 0.06। सही आंसर नाम, इट मीन्स योर के ई विल बी 2 × 1.06 इज 2.12, 25 प्लस 0.06 एंड दिस कम्स टू 2.12 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 0.06, 0.1448 और 0.1448 into 100 is 14.48%। सही आंसर, ये आपको पार्ट क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? क्या बोल रहा है, एबीसी कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड इन मार्केट 25 रुपीज, उसका मार्केट प्राइस कितना दे रखा है आपने को 25 करेंटली। द कंपनी पेज ए डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, हम लोग डिविडेंड कितना दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर एंड द ग्रोथ रेट अपना है 6%। के ई डी वन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर,
ओके, नहीं तो हम डी जीरो भी ले सकते हैं, 2 रुपीज लेके भी कर सकते हैं फिर जी। तो डिविडेंड लास्ट ईयर 2 रुपीज़ दिया, 6% ग्रोथ है, तो इस बार डिविडेंड मिलेगा 2 रुपीज़ 12 पैसे। मार्केट वैल्यू सेम एंड ग्रोथ रेट आपका सेम, एंड दिस कम्स टू ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना। ओके, अब आप आ जाइए, दिस इज योर आंसर नंबर 3 का पार्ट 1। ये आपका आंसर नंबर 3 का पार्ट 1। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर 3 का एंड पार्ट 2। इफ द कंपनी इशू 10% डिवेंचर, वॉट इज दिस गिवन? गिवन इज 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100, ऑफ फेस वैल्यू 100 एंड रियलाइज 96, रियलाइजेबल वैल्यू इज 96, दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू, दिस इज योर रियलाइजेबल वैल्यू इज 96, 96 पर डिवेंचर, व्हाइल द डिवेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 12 इयर्स। रिडेम्पशन पीरियड है अपना, रिडेम्पशन पीरियड है अपना से 12 इयर्स, 12 इयर्स, 12 इयर्स एट ए प्रीमियम, और हमें पे करना है एन प्रीमियम ऑफ 12%। ठीक है, कैलकुलेट द डिवेंचर यूजिंग YTM। उसने क्लियरली आपको बोला है यील्ड टू मैच्योरिटी, इट मीन्स आप अपना मेथड यूज नहीं कर सकते, YTM आपसे बोला है। YTM को मैं दूसरा मेथड भी बोलता हूँ, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू एंड मेथड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सही है सुनो, वैसे तो अपन का एकदम सिंपल तरीके से हो सकता है, लेकिन उसने स्पेसिफाई किया है कि वी वॉन्ट YTM प्रेजेंट वैल्यू मेथड, YTM के हिसाब से हमको ये करना है। सही है सुनो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर KD यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और इसको हम बोलते हैं ये। ओके, इट मीन्स अब आप आ जाइए, वही IRR वाला याद है ना आपको, चैप्टर 7 IRR, वट इज IRR बोलो एक बार रिवाइज करते हैं। IRR इट्स ए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट्स अ डिस्काउंटिंग फैक्टर वेयर योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, वेयर योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू, इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इज एग्जैक्टली इक्वल टू, इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ऐसा रेट अपन को ढूंढना है। ठीक है, अपन ने क्या निकाला, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग IRR, और वही IRR आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट, पहला ईयर, ईयर 0 हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमारा आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना है, रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स आपको जो नेट प्रोसीड्स मिलेगा, आपका पैसा सपोज अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस डिबेंचर में, तो आपका पैसा कितना आउटफ्लो हो जाएगा, 96, और डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं सपोज 5% इंटू 1, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 96, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपका कितना आएगा, 96। अब क्या होगा, 1 to 12 ईयर्स, 1 to 12 ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 12, आउटफ्लो आपका ये है, इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट है 10% और उस पर टैक्स बेनिफिट 5, इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, 5, 10 इंटरेस्ट माइनस दिस इज टैक्स सेविंग्स 50%, तो 5 आपको मिलेगा। ओके, और 5 का अगर आप ये देखेंगे, टेबल देखेंगे, 5% के हिसाब से 12 इयर्स का आपका वैल्यू आएगा 8.863,
फाइव का अगर आप वैल्यू देखेंगे, फाइव का अगर आप देखेंगे आपको ये मिलेगा, 12 इयर्स पे आपको मिलेगा, 12 इयर्स पे आपको वैल्यू मिलेगा, 12 इयर्स पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा फ्रेंड्स बोलो, 12 इयर्स पे आपको 5% का क्या मिलेगा वैल्यू, 12 इयर्स पे आपको 5% का क्या वैल्यू मिलेगा इज 8.863। उसके लिए यू कैन सी पेज नंबर 11.7 मीन्स चैप्टर 11 का, चैप्टर 11 मैंने आपको अपेंडिक्स में दे रखा है। देखो 12 इयर्स एंड 5% 12 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% सही है सुनो, इसका मतलब 5 × 8.863 टैक्स बेनिफिट मिला के आपका हो जाएगा 44.32 ओके। और उसके एंड ऑफ 12th ईयर में आपका, एंड ऑफ 12th ईयर में आपका रिडेम्पशन है इस 12% प्रीमियम, इट मीन्स 100 + 12 आपको कितना पे करना है रिडेम्पशन वैल्यू, इसका मतलब दिस इज योर आरवी रिडेम्पशन वैल्यू इज 112। तो उसका आज की डेट में क्या वैल्यू होगा, आज की डेट में वैल्यू होगा 557, इट मीन्स 112 × 0.557 इज 62.38 इट मीन्स 44.32 + 62.38 - 96 आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, आपका एनपीजी आ रहा है पॉजिटिव 10.7। हमको एनपीवी पॉजिटिव चाहिए नहीं, कैसे हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन आईआरआर के तरीके से कि भाई हम जीरो ईयर में अगर डालते हैं 96 से हमारा आउटफ्लो है, बेनिफिट क्या होगा इंटरेस्ट उस पर टैक्स सेविंग है, 5% हम मान के चल रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है एट द एंड ऑफ 12th अपने को ये वैल्यू मिलेगा, ये आपका हो गया रिडेम्पशन वैल्यू। लेकिन हमको एनपीवी क्या चाहिए, हमको एनपीवी चाहिए जीरो, तो अपन क्या करेंगे और रेट को बढ़ा देंगे, हमने और रेट बढ़ाया, सपोज हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर कर दिया, दिस इज डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोगों ने कर दिया सपोज 10%, इसका मतलब क्या हो गया 96 × 1 हमारा वैल्यू कितना आएगा 96, देन इंटरेस्ट 1 × 2 इज ए 5 ओनली, और 10% का हमारा रहेगा 6.814, इट मीन्स 5 × 6.814 दिस कम्स टू 34.07 एंड 112 × 0.319 एट द एंड ऑफ 12th ईयर आपका वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू रहेगा 0.319 एंड दिस कम्स टू 35.728 इट मीन्स 34.07 + 35.728 - 96 इज आपको लॉस आ रहा है 26.2, ये आपका एनपीवी क्या आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब हमारा जो आईआरआर है वो इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब हमारा जो आईआरआर है वो इन दोनों के बीच में है, और वही आईआरआर आपका क्या हो जाएगा, वही आईआरआर आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट सही है सुनो, वही आईआरआर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरपोलेशन कर लेंगे इसका मतलब आईआरआर इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीबी ऑफ लोअर रेट, एनपीबी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीबी ऑफ हायर रेट एंड हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट व्हाट इज द लोअर रेट इज ए 5%, व्हाट इज द एनपीबी 10.7 माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 26.2
एंड दोनों का डिफरेंस इज 5. सो 10.7 10.7 प्लस 26.2 इज 36.9. 10.7 डिवाइडेड बाई 36.9 इंटू 5 प्लस 5 एंड दिस कम्स टू 6.45%. सही है, सुनो फ्रेंड्स, बोलो ये अपना IRR, IRR लोअर रेट का है, लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट 6.45. इसका मतलब आपका जो KD है, आपका जो KD है, IRR जो आपका निकला वही आपका क्या हो जाएगा, KD. इसका मतलब 6.45 आपका क्या हो जाएगा, KD. सही है, सुनो बोलो, परफेक्टली क्लियर हो, परफेक्टली क्लियर हो, एकदम आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके ये चल रहे हैं करके ना, सबसे जो डिफिकल्ट जो चार क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी ये लास्ट पार्ट में आपके लिए हैं, और ये सब CA फाइनल में एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है? अब आपको और दो क्वेश्चन कराता हूँ. दिस इज नाउ योर क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज इलस्ट्रेशन 17, पेज नंबर 4.14. गो वेरी सिस्टमेटिक, जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उसी तरह से जाइए, वही फॉर्मेट फॉलो करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी. कैलकुलेट WACC मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैलकुलेट WACC यूजिंग द फॉलोइंग डाटा बाई यूजिंग बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज अंडर डिवेंचर है 5x के, प्रेफरेंस शेयर है 5x के, और इक्विटी शेयर्स हैं 10x के 20. मार्केट वैल्यू 105,110,24. एडिशनल इन्फॉर्म. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका वेट बना लेते हैं. हाँ फ्रेंड, पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका अपन वेट बना लेते हैं, राइट? तो अपने को वेट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी. पहले अपन ले लेते हैं, दिस इज क्या पूछ रहा है अपने से, स्टेटमेंट शोइंग. अभी जो सम किया था ना वैसे ही करते हैं अपन ना, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड वेट इक्वल टू, पहला बोला है बुक वैल्यू, तो एकदम सिंपल हो जाएगा आपका बुक वैल्यू. दिस इज पार्टिकुलर्स, इट मीन्स डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स. दिस इज योर बुक वैल्यू, जो अपने बुक में दे रखा है इज रुपीज 5 lakhs, रुपीज 5 lakhs एंड रुपीज 10 lakhs एंड दिस कम्स टू 20 lakhs. वेट 5 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs, 5 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs एंड 10 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs. दिस इज 0.5, दिस इज 0.25 एंड दिस इज. सही है सर, क्या आपने को दे रखा है
statement showing weighted average cost, weight equal to book value, debenture, preference shares, equity, 5 lakh, 5 lakh, 10 lakhs, 20 lakhs, 5 by 20, 5 by 20, 10 by 20, 0.5, 0.25, ये आपका भी। अब आप आ जाइए, this is related to cost, उसके लिए आप refer कर लीजिए, this is your note number 1, and weight multiplied by cost will equal to WACC, आपका आ जाए, so yes or no, आराम से एक एक पॉइंट को अगर आप समझोगे ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, सही है सुनो फ्रेंड्स, आप एक एक पार्ट को अगर आप क्लियर से समझोगे ना, है ना, तो ये आपका था बुक वैल्यू, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, दिस इज योर आंसर नंबर ए। अब आप आ जाइए, दिस इज योर आंसर नंबर बी, मार्केट वैल्यू, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड योर वेट इक्वल टू मार्केट वैल्यू। This is particulars, this is market value, this is weight, cost, वेट इंटू कॉस्ट बिल्कुल WACC, ओके, पर्टिकुलर्स, सबसे पहले आपका डिवेंचर है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स है, सही है सुनो, मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीस का है, बुक वैल्यू, अब क्या बोल रहे हैं, द मार्केट प्राइस ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर डिवेंचर 105, देन प्रेफरेंस शेयर 110, व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर, 5 लाख इनटू 110 बाय 100, इक्विटी शेयर्स 10 लाख इंटू 24 रुपीज का मार्केट प्राइस है ना, डिवाइडेड बाई 10 रुपीज इज ए फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कन्वर्ट कर दिया अपन, है ना, डिवेंचर 105 है, देन प्रेफरेंस 110 है, इक्विटी 24 है, सो दिस कम्स टू 24 लाख, डिवेंचर कम्स टू 5 लाख 25, and this comes to 550. So yes, one of us. It means 525 plus 550 plus 2400 is 34,75,000. So yes. परफेक्टली क्लियर होता है, इसका वेट, इट मीन्स 525 डिवाइडेड बाय 3475, 550 डिवाइडेड बाय 3475 एंड 24 डिवाइडेड बाय 3475, it means 525 divided by 3475 is 0.151,
then 550 divided by 3475 is 0.158, and 24 divided by 3475 is 0.691. Okay, say yes or no, friends. It means 0.151, 0.158, 1691 is 1. Say yes or no. Now, cost ke liye we can refer. This is note number 1. Yahan tak aapko clear hua hai, friends? Boliye. ओके जस्ट अभी तो अपन ने अपना फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट से एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग। ये फॉर्मेट अगर जैसे ही वो देखेगा ना, इतना प्यारा, इतना जबरदस्त फॉर्मेट, वाइफ को फोन करेगा और वाइफ को बोलेगा आई वांटेड टू गिव यू ट्रीट टुडे, आई हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ प्रोफेसर दानी जिनका दुनिया में इतना नाम, इस सॉल्यूशन से फिर वो चेक भी नहीं करेगा आपको, 100 मार्क्स दे देगा करके, बोलेगा व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, इज ए स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर दानी खंडेलवाल, दानी की एफ एम। ओके तो नोट नंबर 1 फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को आप जरा समझिए अपने से क्या पूछ रहा है। अब आ जाइए आप, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC यूजिंग द फॉलोइंग डाटा बाई यूजिंग बुक वैल्यू, by using market value, the capital structure of the company is as under. The capital structure of the company is as under: debenture, preference shares, equity shares. The market price, debenture, preference shares, equity shares. Additional information: rupees 100 per debenture, redeemable at par, 10% coupon rate and flotation cost 4%, 10 years maturity. 100 rupees per preference share, redeemable at par, 5% coupon, 2% flotation cost and 10 years maturity. Equity share has 4 rupees flotation cost, market price 24. The next year expected dividend is 1 with annual growth of 5%. The firm has a practice paying all the earning in the form of dividend. Okay. Corporate tax rate is 30%. Use the YTM method to calculate the cost of debenture and cost of preference shares. Corporate tax rate is 30%. Use the YTM method to calculate the cost of debenture. 30% कर लीजिए आपने. Corporate tax rate is 30%. Use the YTM method. इसका मतलब वही present value method. प्रेजेंट वैल्यू से आप डरिए मत, IRR सिंपल कैलकुलेट करके अपन निकाल सकते हैं, बराबर। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, दिस इज योर मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट आपका हो गया। डिवेंचर है उसका क्या मार्केट वैल्यू है 105, प्रेफरेंस 110, इक्विटी 24/10, ये आपका निकल के आ गया मार्केट वैल्यू। इसको डिवाइड किया आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर वेट। सही है, सुनो, अब आप आ जाइए कॉस्ट पे। तो दिस इज योर नोट नंबर 1, पहला अपन सिंपल वाला ले लेते हैं, KE इक्वल टू योर डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। व्हाट इज योर डिविडेंड, डिविडेंड इज 1 रुपी, मार्केट प्राइस 24, मैंने आपको क्या बताया मार्केट प्राइस के अलावा अगर कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या आएगा, 24 माइनस 4 ₹20 प्लस आपका ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 5%। ओके सो दिस कम्स टू 1 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.05 प्लस 0.05 इक्वल टू 0.10। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10%। हम मार्केट वैल्यू को नहीं लेंगे, मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे 4 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट, इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, आपको अगर आप आज की डेट में अगर ये शेयर आपको इशू करने हैं तो 24 माइनस 4 आपको ₹20 आपको मिलेगा। सही है सुनो, ओके तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 0.10,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका हो जाएगा 0.10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका हो जाएगा 0.10। इसके लिए रिफर नोट नंबर 1, विल कंटिन्यू नोट नंबर 1 ओनली। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू नोट नंबर 1 ओनली। बराबर, YTM मेथड से आपको उसने स्पेसिफिकली पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, IRR। व्हाट इज द IRR? इट इज द रेट ऑफ रिटर्न वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब आप आ जाइए, सबसे पहले अपन निकालते हैं KD। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? KD, राइट, दिस इज योर ईयर। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर्स मैच्योरिटी। आज की डेट में जो डिवेंचर का वैल्यू चल रहा है वो क्या चल रहा है, इज 105। बराबर, तो हमारा आउटफ्लो कितना रहेगा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, आप इस तरह से सोचिए 105, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 4%। फ्लोटेशन कॉस्ट 4%, इट मीन्स 100 का 4%, इट मीन्स 105 का 4% इज 4.2। आपका नेट आपका रहेगा 105 माइनस 4.2 इज 100.8। ये आपका 100.8 इंटू व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर, वी आर एज्यूमिंग 5%, इट मीन्स इंटू 1, और आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 100.8। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, 100 पर डिबेंचर रिन्यूएबल एट पार, 10% कूपन रेट, ओके, एंड 10 इयर्स मैच्योरिटी है, 1 to 10। तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट? इंटरेस्ट कॉस्ट इज इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग। इंटरेस्ट कॉस्ट आपका इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट 10, टैक्स सेविंग 30% ऑफ 10, इट मीन्स 7 रुपीज, ओके, 1 to 5% का, 5% का अगर 10 ईयर्स का आप देखोगे तो आपको फैक्टर मिलेगा 7.722, ओके। और 10th ईयर के एंड में आपको वैल्यू रिडेम्पशन आपको कितने पे करना है, 100 रुपीज पे, 100 रुपीज पर डिमिशन रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार कितने पे रिडीम करना है आपको, रिडीमेबल एट पार वैल्यू मीन्स 100 रुपीज में करना है। 5% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो 10th ईयर में इसका वैल्यू हो जाएगा 0.614, वो आप टेबल भी देख सकते हैं। इसका मतलब 7 into 7.722, दिस कम्स टू 54.05, दिस इज 100 into 0.614 इज 61.4 minus 100.8, and this comes to your 14.65 पॉजिटिव। ये आपका NPV क्या आ गया, पॉजिटिव, सही है सुनो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, एक एक पॉइंट आप जरा देख लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, सब CA फाइनल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। जीरो ईयर 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 100 रुपीज़ डिवेंचर, ओके, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू डिवेंचर का क्या है, 105, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट है 4.2, इसका मतलब 4.2 माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 105 माइनस 4.2 इज 100.8 इंटू 1 इज 100.8।
1 to 10 ईयर्स तक इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट उस पर टैक्स सेविंग है, 5% का क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर से ये आ जाएगा वैल्यू, और उसके बाद रिडेम्पशन एट पार है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा ये। अब हमको इसमें चाहिए क्या, अब हमको इसमें क्या चाहिए, हाँ अब 5% पे पॉजिटिव आ गया, हमको क्या चाहिए कि एग्जैक्टली एनपीवी हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एनपीवी होना चाहिए, हमारा एनपीवी होना चाहिए जीरो, हमारा एनपीवी क्या होना चाहिए, हमारा एनपीवी होना चाहिए जीरो। तो इसका मतलब हायर रेट लेना पड़ेगा, सो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ से 7%, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 7%, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 7%, इट मीन्स 100.8 into 1 विल बी 100.8 into 1 equal to 100.8, एंड दिस इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट 7 into डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 to 10 ईयर 7% का टेबल आप देखोगे तो 7.024, और एंड में आपको ये 100 rupees एट पार पेमेंट करना है, एंड दिस इज 0.508 रिडेम्पशन वैल्यू। ओके 7 into 7.024 इज 49.17, 100 into 0.508 इज 100 into 0.58 इज 58, 100 into 0.508 इज 50.8, इट मीन्स 49.17 प्लस 50.8 माइनस 100.8 एंड दिस कम्स टू 0.83, दिस इज ए नेगेटिव। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था IRR, कितने सारे क्वेश्चंस अपन ने किए फ्रेंड्स IRR के, याद है ना कितने सारे क्वेश्चन किए थे अपन ने, चैप्टर 7 डीसी है, दिस इज योर IRR इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट, एंड हायर रेट माइनस लोअर रेट, लोअर रेट, लोअर रेट इज ए 5, NPV ऑफ लोअर रेट इज 14.65, NPV ऑफ लोअर रेट 14.65, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 0.83, दोनों का डिफरेंस 2, हायर रेट 7 माइनस 5 इज 2, इट मीन्स दिस इज 14.65 प्लस 0.83 इज 15.48, 14.65 डिवाइडेड बाय 15.48 इंटू 2 प्लस 5 एंड दिस कम्स टू 6.89% आपका IRR आ रहा है, और वो IRR ही आपका क्या रहेगा, KD 6.89 आपका जो आ रहा है वही आपका क्या रहेगा IRR, सही है सुना फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आप कर रहे हैं फॉर लाइक यू नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं दैट इज ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, वो आपके चल रहे हैं, सही है सुना फ्रेंड्स। और राइट, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा 6.89, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा 6.89, इट मीन्स 0.689 डिवेंचर कॉस्ट 0.689। अब आपका बचा फ्रेंड्स लास्ट पार्ट, एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपका क्या बचेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो भी इनको क्या चाहिए YTM मेथड से, YTM मीन्स योर
प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। कंपनी को क्या मिलेगा, कंपनी को क्या देना पड़ेगा, उसका एनपीवी अपन निकालते हैं, और ऐसा एनपीवी जहां पे आपका एनपीवी जीरो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आईआरआर। सही है, सुनो फ्रेंड्स, ऑल राइट, क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स आपको, बोलो, परफेक्टली क्लियर हो नॉट? ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या बोल रहे हैं। 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर है, इट मींस 100, दिस इज ए प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज का है, एंड रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन वैल्यू आपका क्या है, 100 रुपीज, ठीक है, और कूपन रेट है आपका 5%, डिविडेंड आपका रहेगा रुपीज 5, टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं मिला, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको है 2%, ओके, और मैच्योरिटी एन है आपका 10, ओके, सो दिस इज योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग आईआरआर विच इज इक्वल टू अवर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द YTM, बाय YTM मेथड, ईयर जीरो, ईयर जीरो में आपका क्या है फ्रेंड्स, ईयर जीरो में आपका है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 110, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 110, ठीक है, और उसमें देर इज ए फ्लोटेशन कॉस्ट है 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था, इशू से रिलेटेड एक्सपेंस, कुछ कमीशन देना पड़ता है, प्रिंटिंग इशू, जो भी इशू से रिलेटेड एक्सपेंस है 2% है, इट मीन्स 110 इंटू 2%, 2.2, अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 107.8, इट मींस 107.8 इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 3% इज 1, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 107.8, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके बदले में, इसके बदले में क्या क्या है, इसके बदले में है डिविडेंड, इसको अपन डिविडेंड, डिविडेंड आपको मिलेगा एन एन 1 to 10 ईयर्स, कितना डिविडेंड मिलेगा 5, कितना डिविडेंड मिलेगा 5, और अगर आप उसको 3% से करेंगे तो आपका क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगा 8.530, इट मींस 5 into 8.530, दिस कम्स टू 42.65, एंड देन उसके बाद 10th ईयर में आपको रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन एट पार है, और 10th ईयर में 3% से डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 744, इट मीन्स 100 into 0.744 इज 74.4, इट मीन्स 42.65 + 74.4 - 107.8 आपका आएगा 9.25। सही, दिस इज योर पॉजिटिव एनपीवी, हमको पॉजिटिव एनपीवी चाहिए नहीं तो हम हाई रेट में जाएंगे, हाई रेट सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 5%, इट मीन्स जीरो ईयर 107.8 into 1 is 107.8, then 5 into आपका 7, 5% से आपका वैल्यू हो जाएगा
7.722. It means 5 into 7.222 is 36.722. It means 5 into 7.722 will be 38.61. Okay, and then 100 into 0.614 is 61.4. ये आपका आ जाएगा 38.61 plus 61.4 minus 107.8 is 7.79. सही, ये आपका एनपीवी. हमको ऐसा चाहिए, ना एनपीवी नेगेटिव चाहिए ना एनपीवी पॉजिटिव चाहिए. हमको एनपीवी क्या चाहिए? जीरो. उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? IRR इक्वल टू योर लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट. एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट एंड हायर रेट एंड लोअर रेट. लोअर रेट आपका क्या है? 3 प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट इज 9.25. एंड एनपीवी ऑफ लोअर रेट 9.25 माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 7.79. एंड देन दोनों का डिफरेंस 5 एंड 3 का इज ए 2. दिस विल बी 9.25 प्लस 7.79 विल बी 17.04. इट मीन्स 17.04. सो दिस इज 9.25 डिवाइडेड बाय 17.04 इनटू 2 प्लस 3 एंड दिस कम्स टू 4.08%. आपका प्रेफरेंस का कॉस्ट हो जाएगा 4.08%. आपका प्रेफरेंस का कॉस्ट हो जाएगा 4.08%. आपका प्रेफरेंस का क्या कॉस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? 4.08%. इज दिस क्लियर होना? वी आर गोइंग बाई द YTM प्रेजेंट वैल्यू. जैसे अपन कैपिटल बजटिंग में करते थे, एक को आउटफ्लो ले लो, बाकी का इनफ्लो ले लो. जैसे भी आपको सोचना है, तरीका अलग अलग है सोचने का. कोई बोलता है इनफ्लो को माइनस में लो, कोई बोलता है आउटफ्लो को. तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि कंपनी को क्या, इसका मतलब 4.08 कंपनी को IRR पड़ रहा है, राइट? नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे होगा. तो ये आपका हो गया 4.08. सुनो, 4.08. दिस कम्स टू योर 4.08. इट मीन्स 4.08 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.0408. ओके, 0.151 into 0.689. पहले अपन मार्केट वैल्यू वाले को ले ले रहे हैं. मार्केट वैल्यू वाला आंसर कर दे रहे हैं पहले. इज point 1040 point 158 into 0.0408 is 0.0064 and 0.691 into 0.1 is 0.069. 0.1040 plus 0.0064 plus 0.0691 point 10. This is 0.151 into 0.689. This is 6.89 divided by 100. This is 0.0689. Okay, ये जीरो आ जाएगा. 0.0689
into 0.151 is 0.0140, 0.0140, 0.0064, 0.0691, 0.0859 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारा WACC हो जाएगा इनटू 100 इज 8.9. यस ऑलराइट, ऐसे ही ये 0.0689 और ये अपन ने कॉस्ट निकाला था 0.0408 0408 ये नोट नंबर वन. 0.25 इंटू 0.0689 इज 0.0173 0.01723 देन 0.0408 इंटू 0.25 इज 0.0102 0.5 into 0.1 is 0.05050 0.01723 plus 0.0102 plus 0.050 is 0.07743. अगर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो WACC हमारा हो जाएगा 7.743. सही आंसर, परफेक्टली क्लियर और नॉट, आप बताइए मुझे क्लियर और नॉट, बोलिए. ऑलराइट, नाइस. अब आप आ जाइए लास्ट, आपका इलस्ट्रेशन है एंड दिस इज योर इलस्ट्रेशन 18 एंड योर पेज नंबर 4.16. इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 4.16. एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम एज ऑन 31st March 2022. 14% डिवेंचर 30,000, 11% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000, इक्विटी शेयर्स 1,60,000. द कंपनी शेयर हैज ए मार्केट प्राइस ऑफ 23.60. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ 2021 EPS. इसका मतलब हमारा जो EPS था, EPS हमारा है 2021 में इज 2.36. उसमें से हम DPS दे देंगे 50%, और 50% हमारा क्या बचेगा फ्रेंड्स, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 2.36. इट मींस दिस इज 2.36 इनटू 50% इज 1.18. एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर which is considered to be optimum as on 31st March 2022. Okay, the company share has a market price of 23. Market price hai hamara 23.6. Next year dividend per share is 50% of 2021 of EPS. Following is the uniform trend of EPS for preceding 10 years which is expected to continue in the future. यही ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा. द कंपनी इशूड न्यू डिवेंचर कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करेंट मार्केट प्राइसेस. इट मीन्स एज फार एज द डिवेंचर इज कंसर्न, डिवेंचर इज 16%, आपका कॉस्ट कितना है 16%, करेंट मार्केट प्राइस उसका है, दिस इज मार्केट प्राइस करेंट है उसका 96, मार्केट प्राइस 96, प्रेफरेंस शेयर 9.2 विद एनुअल डिविडेंड. इट मीन्स अगर अपन प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर पे KD ये आपका
डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं, डिविडेंड डिविडेंड कितना है 1.1, और उसका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है 9.2, ओके, एंड टैक्स रेट है, एंड टैक्स रेट है इज ए 50%, टैक्स रेट है 50%। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेब्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर एज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, ओके। आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है तीनों का, इट्स वेरी सिंपल। इसका कॉस्ट तो एकदम डिबेंचर का तो एकदम सिंपल हो जाएगा, 16 आपका इंटरेस्ट है, दिस इज इंटरेस्ट, और उसमें टैक्स सेविंग हो जाएगा। व्हाट इज द टैक्स रेट, 50% 8 रुपीज, तो आपका 8 रुपीज इंटरेस्ट बचा नेट, ओके। और मार्केट प्राइस क्या है 96, तो केडी आपका हो जाएगा रफली अपन कैलकुलेट करते 8/96। प्रेफरेंस डिविडेंड में आपका केपी हो जाएगा इज 1.1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द प्राइस, प्राइस इज 9.2, तो आपका ये केपी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। के ई आपको निकालना पड़ेगा, इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर, आंसर नंबर ए, ओके। सो दिस इज योर के डी इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है आपका 16 रुपीज़, 16% है ना, 16%, इट मीन्स परसेंट मीन्स 16 रुपीज़, ओके। उस पर टैक्स सेविंग है 50% ऑफ 16 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मार्केट प्राइस 96 इंटू 100, इट मीन्स योर के डी विल बी दिस इज 8/96 इंटू 100, इट मीन्स 8/96 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 8.33, आपका के डी क्या आ जाएगा 8.33। ये क्लियर हुआ कि नहीं, दिस इज योर के डी, इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर वन, आंसर ए का वन पार्ट, आपका के डी क्या हो जाएगा, ओके। फिर अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर, बोलिए आप। के डी, के डी इज ए इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट 16, 50% 16, 96, 108 दिस एंड के डी। अब दूसरा अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इज ए के पी, इट मीन्स के पी इज ए प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। व्हाट इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड, व्हाट इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड, माय प्रेफरेंस डिविडेंड इज 1.10 डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 100, इट मींस 1.10 डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 100 इज 11.95%, 11.95%। केपी, केपी आपका क्या रहेगा, केपी इज ए प्रेफरेंस डिविडेंड मार्केट प्राइस 100, 110, 9.2। देन उसके बाद थर्ड आपका आएगा इज ए के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज D1P0+G, बराबर। D1 हमारा क्या बोल रहा है, 2.36 में से 50% हम दे देंगे, इट मीन्स दिस इज 2.36 का 50% डिविडेंड विल बी 1.18, आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा 1.18। अच्छा, आपका जी कैसे निकलेगा, ग्रोथ, इसका मतलब लास्ट टाइम आपका था 2.36, इस बार है, लास्ट टाइम आपका 2.15 था डिवाइडेड बाई 2.15, ईपीएस में आपके में ग्रोथ आ रहा है ना, अर्निंग पर शेयर, 2.36 माइनस 2.15 डिवाइडेड बाई 2.15 एंड दिस कम्स टू 0.85
इंटू 100 इंटू 100 आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा 9.76, सो से सपोज 10%, से 10%, सही आंसर ना फ्रेंड्स। इट मीन्स योर के ई विल बी आपका 1.18 डिवाइडेड बाई 1.18 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर। प्राइस ऑफ द शेयर अपन को क्वेश्चन में दे ही रखा है इज 23.6 प्लस 0.10, इट मीन्स 1.18 डिवाइडेड बाई 23.6 प्लस 0.10, दिस कम्स टू 0.15 और 15%, सही आंसर। ये आपका हो गया आंसर, आंसर नंबर ए एंड थ्री। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं ये के ई डी वन पी जीरो जी। डी वन 2.36 50% 1.18 जी ग्रोथ 2.36 माइनस लास्ट टाइम का 2.15, तो ईपीएस में कितना ग्रोथ है आपका 2.15 के ऊपर 9.10% ले लिया। के ई आपका 1.18 डिविडेंड, ये मार्केट प्राइस, ये ग्रोथ रेट, या तो ये आपके हो गए आंसर नंबर ए का वन, ए का वन, एट का टू और ए का थ्री, सही आंसर होगा। अब अपने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इश्यूड। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू ए सी सी, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग डब्ल्यू ए सी सी, ओके, और वेट इक्वल टू आपका दिस इज बुक वैल्यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज पार्टिकुलर्स, दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज कॉस्ट, सॉरी वेट, दिस इज कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये डिबेंचर, ये प्रेफरेंस कैपिटल, ये इक्विटी कैपिटल। व्हाट इज द बुक वैल्यू, 30,000, देन 10,000, 170 इज 2 lakh, 30 डिवाइडेड बाय 200 इज 0.15, 10 डिवाइडेड बाय 200 इज 0.05 और 160 डिवाइडेड बाय 200 इज 8, ये आपका क्या हो जाएगा 1, सही है सर। इनटू कॉस्ट, आंसर ए 1, 2 एंड 3 अपन ने निकाले थे ना फ्रेंड्स अभी। आंसर ये के ई का है 15%, के ई में लिख देंगे अपन 15। देन फ्रेंड्स के पी का है 11.95 और के डी का है 8.33 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.0833, सही है सर, परफेक्टली क्लियर। इसको ये लोग 12% ले रहे हैं, राइट, राउंड ऑफ करके, तो इसको 0.12 ले लेते, इलेवन पॉइंट नाइन फाइव को और
12% राउंड ऑफ करके, ओके ये अपना क्या हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट 0.15 × 0.0833, 0.0125 then 0.05 × 0.12 is 0.0006, 0.8 × 0.15 is 0.120, 0.0125, 0.006, 0.120, 0.1385. सही आंसर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा WACC, परफेक्टली क्लियर होना। सही है सुनो, ऑल राइट प्रॉपर। अब क्या बोल रहे हैं आंसर नंबर सी, दिस इज योर आंसर नंबर सी। Determine the amount that can be spent for capital investment before new ordinary must be shares must be sold, assuming that the retained earning for the next year investment is 50% of 21. देखो अपन ने लास्ट ईयर क्या EPS कमाया था, हमारा लास्ट ईयर का EPS था 2.36, उसमें से हम लोगों ने DPS कितना डाला है, DPS डाला है 50% ऑफ 2.36, 2.36 का 50% इज 1.18, तो रिटेन्ड अर्निंग हमारा कितना हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग हमारा हो जाएगा 1.18 पर शेयर, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, इसका मतलब टोटल रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा 11,800। सही है आंसर नंबर सी, ईपीएस, ईपीएस में से डीपीएस और रिटेन्ड अर्निंग 1.18 × 10,000 इज 11,800। ओके नाउ 11,800 हमको क्या रखना है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, एज्यूमिंग दैट द रिटेन्ड अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 21। द कंपनी कैन स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड विदाउट सेलिंग द न्यू शेयर्स। ओके उसको मार्जिनल कॉस्ट भी अपना चेंज नहीं करना है, बराबर, इसका मतलब सेम प्रपोर्शन रखना है। वॉट वॉज द प्रपोर्शन, आवर प्रपोर्शन वॉज इज ए अपना प्रपोर्शन क्या क्या था, डिवेंचर, डिवेंचर 0.15%, देन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस अपना 0.05 और इक्विटी, अपना इक्विटी इज 0.8। ओके सो 0.8, नाउ 0.8 इज 11,800 डिवाइडेड बाय 0.8, इट मींस 11,800 डिवाइडेड बाय 0.8 इज 14,750। ओके सो 14,750 कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है करके ना। एंड देन डी, इफ द कंपनी स्पेंड इन एक्सेस ऑफ 14,750 यू विल हैव टू इशू द न्यू शेयर्स, क्या बोल रहा है अपने को, डी पार्ट, ये आपका सी पार्ट हो गया 14,750 विदाउट इशूइंग, इट मीन्स आई रिपीट, द कंपनी कैन स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट, द कंपनी कैन स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड विदाउट सेलिंग द न्यू शेयर्स, रिटेन अर्निंग 50% ऑफ द ईपीएस, रिटेन अर्निंग 50% ऑफ द ईपीएस, ओके एंड ईपीएस इट मीन्स 11,800, द ऑर्डिनरी शेयर रिटेन अर्निंग इन केस 80% इज 14,750। नाउ डी में क्या बोल रहा है, कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेट सी, एज्यूमिंग द न्यू इक्विटी इज इश्यूड 20 पर शेयर, इसका मतलब आपका दिस इज
योर स्टेटमेंट शोइंग इज वेटेड एवरेज कॉस्ट, राइट। ये आपका पर्टिकुलर्स, वेट आपका सेम रहेगा, वेट आपका क्या रहेगा, डिवेंचर 0.15, प्रेफरेंस 0.05 और इक्विटी 0.8 इज 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। कॉस्ट आपका ये सेम रहेगा 0.122, ओके, जो अपन ने निकाला था प्रेफरेंस का, ओके, और इक्विटी का आपका था 0.0833, लेकिन ये इक्विटी का आपका बदल जाएगा। सो के ई इक्वल टू योर डी वन प्लस पी जीरो प्लस ग्रोथ, बराबर। डी वन आपको क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ अपन ने निकाला ही था, डी वन अपन को बोल रहे हैं, डी वन इज 1.18, ओके, और आपका प्राइस शेयर का बोल रहा है 20 रुपीज, एंड ग्रोथ ग्रोथ इज 0.10, इट मीन्स 1.18 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.10 इज 0.159, सो 0.159 वेटेड एवरेज कॉस्ट आपका हो जाएगा इज 0.15 इंटू 0.0833 इज 0.0125, 0.05 इंटू 0.12 0.006, 0.8 इंटू 0.159 इज 0.1272, इट इज 0.0125, 0.006, 0.1272 इज 0.1457, जीरो वन टू फाइव, 0.06, 0.1272, 0.0125 प्लस 0.006 प्लस 0.1272 इज 0.1457, सही आंसर। कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द कैपिटल फंड एक्सीड द अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड इन सी अबव। सी से अगर एक्सीड होगा तो आपको 20 रुपये का एक शेयर इशू करना पड़ेगा और उसका ये प्राइस आपको आ जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि MCQs आपको खुद को करने चाहिए, बराबर, इसमें आपको मेरी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। एक बार अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ओके, लेकिन आप खुद से करना। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। CAPM में क्या है, इन्वेस्टर डू नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। टू, गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5%, मार्केट रिटर्न 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, वैल्यू ऑफ बीटा इज, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, के ई इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, ओके। के ई अपन को दे रखा है 0.15, रिस्क फ्री रिटर्न अपन को दे रखा है 0.05 प्लस अब अपने पास बीटा नहीं है, बीटा एक्स लेके मार्केट रिटर्न 0.10, 0.05 आप करेंगे तो 2 आ जाएगा बीटा इसमें, ना आप सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क मे बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टू एडजस्ट द टैक्सेस। टैक्सेस कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, प्रेफरेंस में नहीं होता, इक्विटी में नहीं होता, किस में होता है, डिवेंचर, तो 4 का सी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड, एडिशनल फंड पे मार्जिनल कॉस्ट अपने को लगता है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट मे बी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज नो, टारगेट वैल्यूज नो, बुक वैल्यूज नो, एनी वन ऑफ द अबव, एनी वन ऑफ द अबव आपका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप करिए इनको अच्छे से ना, मैं इसमें ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करूँ।
फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ए आंसर आएगा। ए कंपनी हैज ए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर द इक्विटी इज 0.7, डेब्ट इज 0.10, इंटरेस्ट इज 5% उस पर, ओके 30% आपको टैक्स मिलेगा, तो 5% का 30% 3.5% हो जाएगा, उसको वेट से मल्टीप्लाई करो, वेटेड एवरेज आएगा 9। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट जनरली लोअर देन द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। 10th में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ही निकालना है, सही है सुनो फिर। ऑलराइट, तो ये आप अपना होमवर्क में कर लीजिए, एंड फ्रॉम माय साइड दैट इज द एंड ऑफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्रॉम माय साइड दैट इज द एंड। आज के जो सम से चार वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस थे, ओके तो आप प्लीज रिवाइज करिए, और आपको अगर कोई भी डिफिकल्टीज है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है, आई रिपीट 9820030925, 9820030925 आप मुझे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू वेरी मच।